पहली बार किसी चीज के लिए बाप बेटी साथ खड़े हैं। वो तुम हो राधा। बेटा जहां कहीं भी हो जल्दी घर वापस आ जाओ। बाकी बिहारी जी, राधा कहती है कि आप बच्चों से बहुत प्यार करते हो और बच्चों की हर बात सुनते हो। देखिए, मैंने भी दिया जलाया है जैसे राधा करती है, वैसे आपको भी मेरी बात माननी पड़ेगी। राधा को जल्दी से मेरे पास लाना पड़ेगा। आज पहली बार हम गुनगुन को ऐसा देख रहे हैं। कितनी प्रेम और श्रद्धा से बांके बिहारी जी के सामने खड़ी है। हे प्रभु, आज तक इस नन्ही सी बच्ची ने कभी किसी के लिए कोई प्रार्थना नहीं की है। पहली बार उसने आपके सामने श्रद्धा का दिया जलाया है अपनी राधा के लिए। प्लीज राधा को भिजवा दीजिए वापस इस घर में। कम से कम इस नन्ही सी बच्ची की प्रार्थना ही सुन लीजिए। ये घरवाले तो बाहर देख ही नहीं रहे, ये लोग भी कारपेट लेकर चले जाएंगे और इस धागे की वजह से मैं भी बाहर नहीं जा सकती। कैसे बचाओ राधा को? ये लोग अभी तक जा क्यों नहीं रहे? बिटिया, तूने जो ये रायता फैलाया है ना, उसमें से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढ। अगर हमने राधा को अंदर नहीं लाया तो मोहन पक्का हमें घर से बाहर निकाल देगा। अब चाहे जो हो जाए मम्मा, राधा तो अब उस कारपेट में ही मरेगी। आज उसका किस्सा ही खत्म। वैसे वो मर गई तो क्या फर्क पड़ जाएगा? स्कूल में तू सच में पढ़ाई करने जाती थी या नकल करके पास होती थी? बेवकूफ, ये नींद की 4-6 गोलियों से कौन मरता है? अरे तू कह रही है ना कि राधा के मरने से क्या फर्क पड़ता है? देखा नहीं था मोहन कैसे तिल मिला रहा था, फोन कर रहा था, सब लोग उसे ढूंढने के लिए बेकरार थे। और वो गुनगुन भगवान के सामने दिया जला रही थी। देख, इसलिए कह रहे हैं किसी तरह वो कारपेट हम घर के अंदर ले आते हैं। हाँ चल। नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम अभी वो कारपेट लेने गए तो घर पे सबको पता चल जाएगा कि राधा उसके अंदर है, और तब शक तो छोड़ो, सबको सबूत मिल जाएगा कि राधा के साथ ये सब मैंने किया है। पर उन ड्राई क्लीन वालों का क्या? वो क्या भांग चढ़ा कर आए हैं? थोड़ी देर के बाद तो उन्हें भी पता चल जाएगा कि कारपेट के अंदर कोई है। तो क्या होगा, सोचा है तुमने? अबे ये क्या कर रहा है यार? ये त्रिवेदियों का घर है, यहाँ पे ये सब नहीं चलता है। तुझे मोहन त्रिवेदी के गुस्से के बारे में नहीं पता है? उसने देख लिया तो पूरी की पूरी महाभारत यहीं छाप देगा। सही कह रहा है यार, चल। गाड़ी चालू क्यों नहीं हो रही यार? सुबह तो पेट्रोल डलाया था। चल देख। वायर चल गया इसका। मैं चल यार मैकेनिक को लेकर आते हैं। ठीक। क्या करूं? राधा!
बेटा ऐसे उदास नहीं होते, हम ढूंढ लेंगे राधा को, और वो शेखर चाचू भी ढूंढ ही रहे हैं ना। मोहन, मोहन बाहर आग लगी है, राधा उस टेम्पो में, उस कारपेट पर आग लगी। मोहन कुछ करो, मोहन मोहन। मैं बता रहा हूँ ना, बहुत जल्दी राधा वापस आ जाएगी। लेकिन अब आएगी? अब तो मैंने बाकी बहनों से रिक्वेस्ट भी कर ली। मोहन गुनगुन, तुम लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? राधा बाहर है, क्या करूं? अब एक ही तरीका है इन लोगों को बाहर लेकर जाने का। तुमने अभी रिक्वेस्ट की ना, बाकी बिहारी जी अभी सुनेंगे और तुम्हारी रिक्वेस्ट पूरी कर देंगे। गिर गए, हवा भी नहीं चल रही। क्या चल रहा है इस घर में, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राधा नहीं मिल रही है, गमले अपने आप गिर रहे हैं, कहीं ये कोई संकेत तो। ये तुलसी, आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? बाहर आग लगी है, कारपेट में राधा बाहर है। और कुछ करो प्लीज, राधा को बचा लो, जाइए। ये गमले गिरे नहीं, गिराए गए। तुलसी राधा की मदद करना चाह रही है मम्मा। राधा और तुलसी एक हो जाए, इससे बेहतर तो यही होगा कि राधा मर ही जाए। एक भूतनी को तो झेल ही रहे, जरूरत पड़ी तो दूसरी को भी हैंडल कर ही लेंगे। Thank you.
राधा, राधा तुम ठीक हो ना? राधा, कोई 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 डॉक्टर को बुलाओ। दुलारी, जल्दी से डॉक्टर को फोन करो। राधा, आंखें खोलो। राधा, राधा प्लीज उठ जाओ, प्लीज उठो, प्लीज आंखें खोलो राधा। राधा, आंखें खोलो प्लीज। हे राधा, कारपेट से लिपटी हुई थी, आग में जलकर मर जाती, तुम पता है तुम्हें? चिल्लाओ मत, चोट लगी है उसे। कारपेट तुमसे लिपट गया था, अब ठीक है? तुम कारपेट के अंदर पहुंची कैसे? हाँ राधा, बताओ दामिनी के रूम के कारपेट में तुम पहुंची कैसे? हाँ राधा बेटा, बताओ कैसे कारपेट में चली गई तुम? दामिनी जी, लीजिए खाना लाए। थैंक यू। वहां दामिनी चिची के लिए खाना लेकर गए थे। राधा, आराम से। राधा संभल के। तुम ठीक हो ना राधा? हम और दामिनी चिची साथ में मिलकर खा रहे थे। तो हमें बहुत तेज मिर्ची लगी तो हम Leave.
दामिनी, तुम ठीक हो ना? जी काकी जी। दामिनी, मोहन, दामिनी, दामिनी, दामिनी। मैं अपराधा को समझ रही। चल बेटा अंदर चलो। मोहन ने हमारी दामिनी को गोदी में उठा लिया। हे प्रभु। दुलारी, पानी लेकर आओ जल्दी। बिटिया, हाँ बिटिया, हे प्रभु, ये हमारी बिटिया तो पूरी की पूरी आग में ही झुलस गई। हम तो कहते हैं कि डॉक्टर को बुलाओ, कोई अस्पताल ले जाओ। इस विधवा की किस्मत में सिर्फ दुख ही दुख है प्रभु। दुलारी तुम वहाँ क्या कर रही हो? जल्दी आओ ना पानी लेकर। राधा, ये लो बेटा पानी पी लो। दामिनी, हाँ मोहन, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। शायद धुएं की वजह से। I'm fine. आराम से। तुम्हारे हाथ बहुत बुरी तरह जल गए। चलो हॉस्पिटल चलते हैं। मैं नहीं मोहन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। टेंशन मत लो। ठीक हो तुम? ये हे बाकी बिहारी जी, दामिनी जी, ये आपने क्या कर लिया हमें बचाने के चक्कर में? देखो तो सही, सब लोग देखो तो सही, जिन हाथों में मेहंदी लगनी है वही हाथ में छाले पड़ गए बेचारी को। पर आप लोगों ने देखा हमारी बिटिया कितनी हिम्मत वाली है ना? अरे स्वयं दुर्गा माता उसमें आ गए और वो आग में कूद पड़ी और इस राधा को बचा लिया। इसका बस चलता तो वो आग में घी डाल देती, ये क्या बचाएगी राधा को? सब नाटक है। राधा, तुम ठीक हो ना? कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि राधा कापट में कैसी फंसी ये सवाल ही गायब हो जाए। राधा, तुम ठीक हो ना? बताओ ये सब कैसे हुआ? वो दामिनी जी थी। दामिनी जी थी। हमें बचाने के लिए आपको इतना बड़ा खतरा मोल नहीं लेना चाहिए था। हमारी वजह से आपका कितना हाथ जल गया। होने वाली दुल्हन के साथ ऐसा होना ये था अपशगुन। लाओ बाकी बिहारी जी का क्यों उन्होंने आपको बचा लिया? आराम से। क्या जरूरत थी अपने हाथ से वो कारपेट खींचने की? जला दिया ना अपने हाथ को। हाथ तो तुम्हारा भी जल सकता था ना मोहन। तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? कुछ नहीं होता मुझे। पर तुम तो जल गई ना। बैठी रहो और कुछ बोलो मत। ये तो कुछ भी नहीं है मोहन। तुम तो मेरी जिंदगी हो। तुम्हारे लिए अगर मैं अपनी जान भी दे दूं तो कम है। आज बोल लिया ना? बोलिया, दोबारा मत बोलना।
जान दे दो, कुछ नहीं होगा तुम्हारे जान को। इस घर के लोग सारे अंधे हैं क्या? इस औरत की चालाकी, इसके घटिया इरादे सिर्फ मुझे ही दिखाई देते हैं क्या? इन लोगों को कुछ दिखाई क्यों नहीं देता? दामिनी, ये क्या कर रही हो? दामिनी, वो एक्चुअली मेरा कारपेट गंदा हो गया, उसे ड्राई क्लीनिंग के लिए भेज रही हूँ। तुम क्या बैठकर मुस्कुरा रही हो? क्या जरूरत थी कारपेट में जाके सोने की? तुम्हें पता है तुम्हारा ये हादसा कितने लोगों पर भारी पड़ जाता? माफ कर दीजिए ना मोहन जी। राधा, माफी मांगने की जरूरत नहीं है बेटा। सबसे पहले तो तुम ये बताओ कि तुम उस कारपेट पे पहुंची कैसे? ये कद्दू भी ना अपना मुंह बंद नहीं रख सकती। और तुम बेहोश क्यों थी? कुछ कर दामिनी, कुछ कर, वरना आज सब बर्बाद हो जाएगा। थैंक यू। वो सोचो, छोटी काकी जी, हमें जितना याद है हम दामिनी चिची को खाना देने गए थे। और यही तो मैं उसे सुबह से कह रही हूँ, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। सुबह तो इसे चक्कर भी आ रहे थे। ये मेरे लिए खाना लेकर तो आई थी, लेकिन खुद इसने कुछ भी नहीं खाया था। तभी तो मैंने इसे अपने साथ बिठाकर खाना खिलाया है ना? जी जी जी। राधा तो ऐसी है, हम सबका ख्याल रखती है लेकिन अपना नहीं। मेरे रूम में कारपेट गंदा हो गया था तो कहने लगी ये मैं ही बाहर ले जाती हूँ सफाई के लिए। मैंने इसे कहा भी कि मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं मानी। फिर मैं रूम से बाहर चली गई। राधा, तुम ये बताओ कि तुम कारपेट में आई कैसे? ये तो तुम बताओगी ना दामिनी। राधा तुम्हारे साथ रूम में ही थी। बताया ना मैंने कीत की, मैं अपने रूम से बाहर चली गई थी और जब तक मैं वापस आई कारपेट ऑलरेडी रोल था और राधा कमरे में थी ही नहीं। तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही कारपेट बाहर ले आती हूँ। इनफैक्ट कॉरिडोर में तुम और अजीत भैया मिले तो थे मुझसे, याद नहीं है? हाँ हाँ मिले थे। अरे याद है, अमिनी याद होगा तो और किसे याद होगा? बात मत घुमाओ दामिनी, मैंने तब भी तुमसे यही पूछा था कि बस। अब किसी को कुछ पूछने की, कुछ जानने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि राधा मिल गई। दामिनी को ज्यादा चोट नहीं आई, हमारे घर की दोनों बेटियां बिल्कुल सही सलामत हैं। मोहन, तुम ही समझाओ इसे, ये बिल्कुल अपना ख्याल नहीं रखती, बदमाश। ये आंखें भी कितनी धोखा देती है। नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। अब मुझे देख लो ना, मुझे लगता था कि तुम राधा को पसंद नहीं करती। राधा को बचाने के लिए तुमने अपने हाथ तक जला लिया। थैंक यू दामिनी। दामिनी,
थैंक यू बोल के मुझे पराया मत करो मोहन। राधा मेरी छोटी बहन जैसी है, भला इससे कुछ भी कैसे होने देती हूँ। छोटी बहन नहीं, दुश्मन मानती है राधा को अपनी। आज इसकी वजह से ना जाने राधा को क्या हो जाता। राधा मर सकती थी मोहन। राधा किनबे? राधा तुम्हारा हाथ तो जल गया। राधा तुम तो जल गई हो। मोहन ये देखो। मेरे मोहन का नाम तुम्हारे हाथ पे लिखवाने की जुर्रत करने की ये सजा बहुत कम है राधा। इसका हाथ भी जल गया। कुछ नहीं हुआ बताना तो चाहिए ना। क्यों जल गया है तुम्हारा हाथ? कुछ नहीं हुआ है, हम कह रहे हैं ना। आराम से, तुम्हारा भी हाथ जला हुआ है। कोई बात नहीं, कर रही हो ये दर्द तुम्हीने इसे दिया है दामिनी। ठीक हो जाएगा। तुमने राधा के हाथ पर मोहन का नाम लिखा हुआ क्या देखा? उसकी इतनी बड़ी सजा दी तुमने उसे। दिल की जगह पर पत्थर है क्या तुम्हारा? किस मिट्टी की बनी हुई हो तुम? बाकी बिहारी जी के आंगन की मिट्टी से बनी है आप दामिनी जी। हमारी वजह से आपको कितना हाथ जल गया। आप है अपनी चोट की जगह हमारी चोट पर ध्यान दिए जा रही, हमारी चोट की चिंता किए जा रही। मैं माफ कर दीजिए दामिनी जी। माफ तो कर दूंगी लेकिन एक शर्त पर। तुम्हें प्रॉमिस करो कि आज के बाद तुम अपना ख्याल रखोगी, इस घर को संभालने से पहले खुद को संभालोगी। अगर आज तुम्हें कुछ हो जाता तो हम तुम्हारे बाबा और दादी को क्या जवाब देते? कभी सोचा ये तुमने? ये सब अब कभी मत करना, ठीक है? आ जाओ राधा, चलो अंदर चलते। आ जाओ गुरु, बर्फ भी लगा लेना, वो बर्फ से जलना कम हो जाता। हाँ शिखर आजा। नहीं राधा मिल गई है यार। चल बिटिया आते हैं। बाके बिहारी जी आप तो सर्वज्ञानी हैं। देखो ना आपने, मोहन जी का नाम हमारे हाथ से जलकर मिट गया। कहते हैं मेहंदी से लिखा हुआ नाम मिटना नहीं चाहिए, अब शगुन होता है। आपसे एक विनती है बाकी बिहारी जी, मोहन जी पर कोई भी आपत्ति मत आने दीजिएगा। उनकी रक्षा करिएगा, चाहे तो उनके हिस्से की तकलीफ पीड़ा हमें दे दीजिएगा, पर उनकी रक्षा करिएगा। मोहन के लिए व्रत रखती हूँ, मोहन की जान बचाने के लिए अपनी जान मुसीबत में डालती हूँ। दिन रात बस मोहन मोहन ही करती रहती हूँ। मोहन की बेटी को अपनी जान से ज्यादा चाहती हूँ। ये प्यार नहीं है तो क्या है राधा? तुम जिसे भक्ति का नाम देती हो ना, वो प्यार ही है। अब मोहन से प्यार करने की सजा मैं तुम्हें दूंगी। उल्टी गिनती शुरू करता हूं।